किसी प्रकार का कोई 5 लाख रुपए का हमने एक क्या कि उनको देने के लिए नए ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में कोच के 100, कोच के 50, ग्रुप सी में जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जो ऊपरी सीमा 42 वर्ष थी उसको बढ़ाया कि हमने 50 साल कर दिया, तो इससे काफी इनको लगा। और इसी के साथ दो हमारे एचआरडीएफ के कर्मचारी थे, उनको अब तक जो पेंशन का लाभ नहीं मिलता था उसके बारे में भी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उनको भी पेंशन का लाभ उसी प्रकार से जैसे दूसरों को मिलता है उसी प्रकार से उनको भी मिलेगा। एक हमने निर्णय लिया कि जो एनसीआर से एनसीआर में जो भी व्हीकल आते थे, चाहे वो कार थी, चाहे थ्री व्हीलर था, या दूसरे फोर व्हीलर था, जो भी था, उन पे हमारे यहाँ टैक्स था। लेकिन आज हमने उसमें भी निर्णय लिया कि उनको हमने एनसीआर से एनसीआर में जो भी व्हीकल आएगा उसको हमने टैक्स से मुक्त करने का फैसला लिया। इसमें जैसे गाड़ी आती हैं, थ्री व्हीलर आते हैं, छोटे वाहन जो भी हैं, उन पर सबके सब पर निर्णय लिया कि उन पर किसी प्रकार की कोई उस पर किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं लिया विद इन एनसीआर। और इसके साथ ही हमने एक आज निर्णय लिया कि पहले कोई भी सड़क बनाने के लिए या दूसरे अन्य कुछ था उसके लिए अपनी इच्छा से भूख देता, लेकिन बाद में टाइम बाय टाइम मतलब मेरे बाबा जी ने कोई जमीन दी और उसके बाद अब आके मैंने केस कर दिया कि भी मेरे को तो उस टाइम कोई उसके लिए मुआवजा नहीं मिलता, तो उसका हमने एक प्रदान कर दिया कि अब वो इस प्रकार का केस करके हमारे से इस प्रकार का मुआवजा सरकार से नहीं ले सकता। इसी के साथ सरकार ने जो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे उसके बारे में हमने निर्णय लिया, फिर जो है वो 16 स्थानों पे गोदाम का निर्माण करेगा जिसमें 2,72,726 मेट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113.3 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। 16। इसके साथ जो पहले एक निर्णय था जो टोल लेते थे, तो जो राज्य सरकार की सड़कें हैं जहां हमारे छोटे टोल थे उन पे सड़क की रिपेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो आज हमने निर्णय लिया उसमें कि जो टोल लेगा उसकी जिम्मेदारी सड़क की रिपेयर की भी उसकी भी रहेगी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया, अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं रहेगा। महेंद्रगढ़ में अटल में टोल से हटा महेंद्रगढ़ पर जो टोल पॉइंट था उससे टोल समाप्त करने का निर्णय हमने आज लिया। तो ये फैसले आज सारे के सारे आज के हमने देखिए वो उसी जो एक जो पॉलिसी सरकार ने बनाई ना, जो खिलाड़ी जिस लेवल का है जहाँ लिया जाएगा उसी उस वो पॉलिसी का उसी का पालन किया जाएगा। देखिए आज कैबिनेट में किसी बात पे कोई चेंज नहीं किया गया, केवल जो किया गया वो केवल इतना किया गया कि कुछ तो उनके लिए पदों का सृजन किया गया है, वो मैंने आपको बोल दिए।
और दूसरा अगर किया गया तो वो ये है कि उनकी तैयारी के लिए जो लोग ओलंपिक में सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए 5 लाख रुपए की जो उनका इनाम है वो पहले से वैसा का वैसा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल ये है कि उनकी तैयारी के लिए 5 लाख रुपए और प्रावधान कर दिया ताकि अपनी तैयारी ठीक तरीके वो जैसे वैसे कैसे जैसे पहले से वैसे कोई नहीं कुछ नहीं 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 ऐसा ऐसा कोई एजेंडा जी नहीं नहीं कोई डेफर नहीं है आज पे कोई डिस्कशन थी ना ही वो एजेंडे पे था नहीं नहीं आज था कोई ऐसा एजेंडा जो आया और डेफर कर दिया नहीं डिस्कशन के बाद ही होता है सारा सारा, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने आपने रख दिया और गिल गिल सब पास 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 होता कुछ भी, वो सारा का सारा विचार विमर्श होता है उसपे इसमें क्या है क्या नहीं, तो नहीं कैबिनेट हाँ कैबिनेट उस पर पूरा विचार करती है, अधिकारी पूरा विचार करते हैं उस पर, सारा विचार करने के बाद सारे पास होते नहीं नहीं कुछ चीजों में कहीं परिवर्तन की जरूरत पड़ी तो किया वहां परिवर्तन भी, ऐसी बात नहीं होता ही है परिवर्तन भी जहां कहीं जरूरत होती है तो आने वाला है जो 5 लाख है इस पे पहले ये था कि जो 15 लाख हम देते हैं 5 लाख को एडवांस दिया कि नहीं एडवांस देंगे हमको 5 लाख ऐसे देंगे आगे वो तैयारी करें 15 लाख वैसा का वैसा रहेगा जो उनका था, पहले ये था कि 15 लाख देते थे हमें तो जो प्रस्ताव आया 5 लाख बाद देंगे तो बाद में वहां भी जा रहा है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे बल्कि हम 5 को तैयारी के लिए देंगे 15 वैसे के लिए हाँ टोटल 20 है कौन सा नहीं नहीं आया नहीं है एजेंडा ही था नहीं कोई समझ नहीं हाँ हाँ कब तक चलने की उम्मीद है जी क्या प्रस्तावित क्या है जी कब तक प्रस्तावित क्या नहीं देखिए अभी तो जो भी आएगा सारे में चर्चा होगी कितना बिजनेस है उसके, सरकार तो यही करती है कि हमारे पास इतना बिजनेस है हमें इतना टाइम चाहिए उतना ही करेंगे और दूसरा जिस प्रकार का बात होगी वहाँ बिजनेस एडवाइजरी में जो होगा तो उसके हिसाब से फैसला क्या नहीं क्या लेट क्या है इसमें मार्च में कर लिया चाहे फरवरी में कर लेते हैं उसमें कोई खास फर्क की बात नहीं, देखिए अगर आप फरवरी में शुरू कर लो चाहे आप चाहे मार्च में, आपने पहले मेरे से पूछा था मैंने ये कहा था कि भैया तो मार्च के शुरू में करेंगे या फरवरी के लास्ट में करेंगे उसमें क्या है मेरे ख्याल से पहले 5 6 7 8 8 हाँ फिर उसका ठीक नहीं ऐसी कोई बात नहीं इस प्रकार कोई भी सरकार का जो भी निर्णय नहीं 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 किसान आंदोलन कोई कारण नहीं ठीक है देखियो कोर्ट का आदेश है और कोई सरकार का हो रही है कोर्ट का आदेश जो कोर्ट का ने कोई भी आदेश दिया तो उसको माना सरकार का की जिम्मेदारी है नहीं देखिए कहीं भी इस प्रकार का कुछ भी है हमारे में कोई बनया नहीं और अगर कोई भी कोर्ट का जैसा भी आदेश हो उसका पालन अगर किसी ने गलत बनाया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अभी मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता इसकी क्या है क्या नहीं है कि सारा आप मुझसे पूछो तो उस टाइम से आपसे वहाँ से समय पूछा उस टाइम वो सारा आंकड़े थे मेरे पास लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिला रहा कि अगर कोई भी हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे नहीं देखिए अब बहुत थोड़ा टाइम है मेरे ख्याल से अगला सेशन जब शुरू होगा तभी जो पहली से क्लासेस
करना भी शुरू करेंगे। नहीं नहीं आज वो देखिए कैबिनेट में जो एजेंडा होता है उस पर चर्चा होती है, वैसे कोई पॉलिटिकल चर्चा वहां नहीं होती। नहीं देखिए मैंने कहा कि वहां केवल जो एजेंडा है उस पर चर्चा होती है कैबिनेट में। दूसरा